पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र के सातवें शतक के दसम उद्देशक में कहा गया है, तेनम कालेनम तेनम समयेनम राजगीहे नामम नगरे हुत्था वन्नो गुणशिलये चेये वन्नो जाव पुढ़वी शिला पट्टो तस्सनम गुणशिलयस्य चेयस्य अदूर सामन्ते बहवे अन्न उत्थिया परिवसन्ति तंजहा कालोदायी शेलोदायी सेवालोदायी उदये नामुदये नमुदये नमुदये अन्नवालये शेलवालये शंखवालये सुहत्थी गाहा वै। भगवान महावीर विराजमान थे और राजगृह नाम का नगर। भगवान महावीर का एक मानो मुख्य प्रवासक क्षेत्र राजनगर रहा है। पास में नालंदा है, राजनगर नालंदा। बहुत लाभ मानो कितने चतुर्मास भगवान महावीर के राजगृह नालंदा। तो राजगृह नगर और वहां गुणशिलक नामक चैत्य पृथ्वी शिलापट और उसके आसपास न बहुत दूर न बहुत निकट अन्य यूथिक अनेक जन निवास करते थे, जो अन्य दर्शन को अन्य संप्रदाय को या अन्य सिद्धांत को मानने वाले अन्य दर्शनों से संबंधित लोग भी थे। नाम दिए गए हैं वो कौन लोग थे, कालोदायी शैलोदायी शैवालोदायी उदक नामोदक नर्मोदक अन्नपालक शैलपालक शंखपालक और सुहस्ती गृहपति। ये लोग उस भगवान महावीर के मानो प्रवास स्थल परिसर के परिपार्श्व में रहा करते थे, निवास करते थे। तो एक बार वे अन्य यूथिक जो अन्य दर्शनों से जुड़े हुए लोग थे, अपने अपने निवास स्थानों से आवास स्थानों से निकले और एक जगह इकट्ठा हो गए। जैसे कई बार पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, कई पाटे पर बैठ जाते हैं, प्रौढ़ लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, वो यहाँ शाम को कभी यो आसपास पांच सात बैठ के बातें करते हैं। तो ये लोग भी मिले तो बातें शुरू हुई, बात भी शुरू हुई। तो कई बार बातों में समसामयिक बातें आ जाती हैं, यानी इन दिनों में जो घटनाएं हो वो बातें चर्चा का विषय बन जाती हैं। उन लोगों में जो वार्तालाप शुरू हुआ उनमें चर्चा चली, यानी भगवान महावीर पधारे हुए थे तो भगवान महावीर के सिद्धांत के संदर्भ में उनमें चर्चा चली। तो चर्चा यों चली कि भी ये श्रमण ज्ञात पुत्र भगवान महावीर जो हैं, श्रमण ज्ञात पुत्र, ये अस्तिकाय की बात कहते हैं, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय पुद्गलास्तिकाय जीवास्तिकाय, और वे कहते हैं कि इनमें चार अजीव काय हैं, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय, ये चार अजीव काय हैं। एक जीवास्तिकाय है, वे जीवास्तिकाय को अमूर्त, जीवास्तिकाय को भी अमूर्त कहते हैं, धर्मास्तिकाय ये भी अमूर्त है। और जो जीवास्तिकाय है उसको वे अरूपी काय बतलाते हैं, धर्मास्तिकाय को भी अधर्मास्तिकाय को भी आकाशास्तिकाय को भी अमूर्त बतलाते हैं, जीवास्तिकाय अमूर्त है। एक पुद्गलास्तिकाय को वे मूर्त रूपी काय बतलाते हैं। ये जो महावीर जी कह रहे हैं वो बात ऐसे है क्या,
तो महावीर जी की ये बात कैसे है, ठीक है क्या, ऐसे है क्या, यो आपस में चर्चा हो रही थी। अब वे लोग तो इतने अधिकृत थे नहीं जैन दर्शन के, मान लो भगवान महावीर के नहीं रहे होंगे, तो चर्चा थी पर अब निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए होंगे शायद। इतने में संयोग की बात कि उनकी तो चर्चा हो रही थी, उधर भगवान महावीर अपने उधर प्रवास स्थल या उस परिसर में थे, परिषद आई, प्रवचन हुआ, लोग परिषद चली भी गई, और भगवान महावीर के ज्येष्ठ अंतेवासी गौतम स्वामी, तो अब उनको गोचरी जाना था, तो वे गोचरी के लिए निष्क्रांत हुए और यूं घरों में जगह जगह अटन करते हुए भिक्षा के लिए ऐसे घूम रहे थे, और उन्होंने भोजन मिल गया, उनको पर्याप्त आहार मिल गया था, भक्तपान मिल गया, लेकर के वो अब गांव से वापिस अपने मानो प्रवास स्थल की ओर जाते हैं। बड़े शांति से चल रहे हैं, संभ्रम रहित, और जो साधु की गति होनी चाहिए, भागना दौड़ना नहीं, शांति से चलना, देख देख कर क्रिया समिति के अनुसार चलना। और चलते चलते वे उन लोगों के आसपास से गुजर रहे थे गौतम स्वामी, उन लोगों ने देखा रे ये आ रहे हैं ना गौतम, ये भगवान महावीर के शिष्य हैं, तो इनसे पूछे कि क्या सिद्धांत है भगवान महावीर। तो अपने आपस में बात की, ये गौतम जी हैं, गौतम तो हमारे लिए तो ये अस्थिकाय की बात क्लियर नहीं हो रही है, हम पूरा जानते नहीं, क्लियर नहीं है हमारे लिए धर्मास्थिकाय या धर्मास्थिकाय अस्थिकाय, तो ये तो उनके इन्हीं से पूछ ले भी क्या सिद्धांत है आपका। तो वे आखिर गौतम के पास आते हैं, वे लोग आकर भगवान गौतम से बोले कि गौतम आपके जो धर्माचार्य धर्मोपदेशक श्रमण ज्ञात पुत्र हैं, वे पांच अस्थिकायों की बात प्रज्ञापित करते हैं, बताते हैं धर्मास्थिकाय आदि आदि बातें हैं, तो यह बात कैसे है कि पांच में से चार अरूपी हैं, एक रूपी हैं, पांच में से चार अजीव हैं, एक जीवास्तिका जीव हैं, तो यह बात कैसे क्या है, हमारे तो बुरी समझ में नहीं आई, ये क्या बात है ये। तो भगवान गौतम ने वे जो अन्य यूथिक जन थे उनसे कहा भाई हम लोग अस्तित्व को नास्ति है ऐसा नहीं कहते हैं, तो नास्तित्व उसको अस्ति है ऐसा भी नहीं कहते हैं, हम तो है जैसा बतलाने वाले हैं, हम तो अस्तित्व को सर्व अस्तित्व को अस्ति है ऐसा कहते हैं, और सर्व नास्तित्व को नास्ति ऐसा कहते हैं। आप लोग स्वयं समझिए अपनी चेतना से इसकी प्रत्युपेक्षा करें। तो गौतम स्वामी तो वहां से आगे बढ़े, अपने प्रवास स्थल में आ गए जहाँ भगवान महावीर थे, वहां आ गए, वो जो आहार भक्तपान लाए थे भगवान महावीर को दिखाया। हमारी आज भी सामान्य विधि है आगम में जो है कि गौतम स्वामी ने वो गोचरी लेकर आए, भगवान महावीर को दिखाया कि यह लेकर आया हूँ। आज भी हमारी साधु समुदाय में यह परंपरा है कि संत लोग जैसे गोचरी लेकर आते हैं, कोई सामान्य रूप में प्राय मान ले कि जैसे मध्यान्ह में गोचरी गए, व्याख्यान के बाद मान लो गोचरी गए, गोचरी लेकर आए तो दिखाएं कि ये हम लेकर आए, पात्री उठा उठा कि ये हम लेकर आए, ये जो भी ग्रुप के आते सब दिखाओ क्या क्या, ये सामान्य सी विधि है। तो अगम में भी यही विधि है कि भगवान महावीर को उन्होंने दिखाया जो लाए थे भक्तपान। अब दिखाने से कई बार एक तो जानकारी में आगे भी क्या क्या चीजें आ रही है, जानकारी में आ जाए बड़ों के, या कई बड़े पूछ भी ले ये गोचरी कहाँ से लाए, क्यों लाए, कैसे लाए, देखो ये सचित है कचित है, क्या बात है, विधि के अनुकूल नहीं,
थोड़ा पूछताछ भी कर लें तो और प्रेरणा भी मिल जाए गोचरी करने वालों को। तो भगवान महावीर को उन्होंने, गौतम स्वामी ने अपना भक्तपान दिखा दिया, वंदना नमस्कार किया और फिर वो गौतम स्वामी भगवान महावीर की पर्युपासना में बैठ गए। इधर भगवान महावीर वहां विराजमान थे, एक फिर कोई अगले दिन आगे की बात होगी, वे अन्य युथिक भगवान महावीर के पास आ जाते हैं, क्योंकि जहां ज्ञान प्राप्त करना है तो वहां जाए बैठे चर्चा करे तो विषय स्पष्ट हो सकता है, भले किसी दर्शन को मानने वाले हों, जहां तत्व ज्ञान की बात है, सच्ची अच्छी बात कहीं मिलने की संभावना हो, उनका सिद्धांत क्या है, आदमी और भी कहीं चर्चा के लिए जा सकता है, श्रद्धा मान लो है जहां है, पर ज्ञान चर्चा के लिए कहीं मान लो चले भी जाएं, तो भी अन्य युथिक लोग भगवान महावीर के पास आ गए। तो भगवान महावीर प्रवचन सभा में थे और प्रवचन कर रहे थे और वे कालोदाई उस प्रवचन सभा में वो आ गया। कालोदाई आया तो कालोदाई आया और भगवान महावीर ने उसको फरमाना शुरू कर दिया। शायद कालोदाई ने प्रश्न किया भी नहीं होगा, चलाकर भगवान महावीर ने बात शुरू कर दी। कहा कालोदाई कि किसी समय तुम लोग आपस में मिले थे, एक जगह इकट्ठा हुए थे, तुम लोगों में यह बात हुई थी कि श्रमण ज्ञात पुत्र पांच अस्थि कार्यों की प्रज्ञापना करते हैं, ऐसा है अरुपीर, ये बातें तुमने हुई थी, बात सही है ना? तो कहा बात सही है, हमने आपस में, हम लोगों ने आपके बारे में, आपके सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी। तो कालोदाई ये ठीक है, मैं पांच अस्थि कार्य बताता हूँ, वो चार अमूर्त है, चार अजीव है, एक मूर्त है, एक जीव, ये बात मैं बताता हूँ जो भी, तो ये मेरी बात है, मैं वो अरूपी काय अजीव काय ये बातें मैं बताया करता हूँ। तो कालोदाई बोला कि अच्छा आप जो बताते हैं धर्मास्ति काय अधर्मास्ति काय आकाशास्ति काय, ये तीनों अरूपी हैं अजीव काय हैं, तो मेरा प्रश्न है इनमें धर्मास्ति काय में अधर्मास्ति काय में आकाशास्ति काय में कोई प्राणी रुक सकता है क्या, ठहर सकता है क्या, रह सकता है क्या, सो सकता है क्या, खड़ा रह सकता है क्या, बैठ सकता है क्या, करवट ले सकता है क्या? भगवान महावीर ने कहा यह संभव नहीं है, यह बात सही नहीं है, कोई भी प्राणी है तो इनमें नहीं रुक सकता, इनमें खड़ा नहीं हो सकता, एकमात्र पुद्गलास्थि काय पर ही कोई प्राणी ठहर सकता है, रुक सकता है, खड़ा रह सकता है, आदि आदि है, ये ऐसे है। तो भगवान यानी महावीर जी से फिर पूछा कि भगवान महावीर से पुद्गलास्थि काय की जो बात है, जो रूपी काय आप बताते हो अजीव काय है, तो इस पुद्गलास्थि काय में जीवों के पाप कर्म पाप फल विपाक संयुक्त होते हैं क्या? भगवान ने कहा कालोदाई ये अर्थ संगत नहीं, यह ठीक नहीं है, केवल एक जीवास्थि काय जो अरूपी काय है उसी में जीवों के पाप कर्म पाप फल विपाक संयुक्त होते हैं और अन्य किसी के कर्म नहीं लगते, केवल जीव के ही कर्म लगते हैं, धर्मास्थि काय अधर्मास्थि काय इन किसी के कर्म नहीं लगते हैं, पाप फल विपाक वाले जो भी। यूं वार्तालाप हुआ तो वार्तालाप से कालोदाई संबुद्ध हो गया कि बात मानो समझ में आ गई, संबुद्ध हुआ, भगवान महावीर को वंदन नमस्कार किया और बोला कि मैं, जैसे कई बार लोग बोलते हैं आई एम इम्प्रेस्ड बाई यू, मैं अब आपसे प्रभावित हो गया हूँ, तो मानो कोई इस तरह की बात कही होगी कालोदाई ने कि नहीं आपसे थोड़ी मैंने बात की तो मैं मानो अब संबुद्ध हूँ, अब मैं वो धर्म की बात आपसे सुनना चाहता हूँ। तो यह पहले की वो तो एक तत्व की बात सिद्धांत की बात थी, पुद्गल जीव आदि आदि अजीव जीव, अब का मुझे धर्म की बात आप बताओ। तो भगवान महावीर ने फिर धर्म का उपदेश दिया।
धर्म का उपदेश दिया और कालोदाई भगवान महावीर के पास प्रव्रजित हो गया, उसने दीक्षा ले ली भगवान महावीर के पास, दीक्षित हो गया। और फिर कालोदाई ने आगम अध्ययन किया और की आदि आदि बातें होती है। तो बाद में भगवान महावीर राजगृह नगर से बिहार भी कर देते हैं और कुछ बाहर विचरण करते हैं, जनपद बिहार करते हैं और फिर कालोदाई भगवान महावीर से कुछ चर्चा वार्ता भी करता है। तो यह एक प्रसंग जो आया है भगवान महावीर का, इधर गौतम स्वामी, इधर अन्य तीर्थिक लोग और वार्तालाप हुआ। और जो तात्विक बात का क्रम चला उसमें यह पंचाष्टी काय की बात भगवती सूत्र में बताई गई है। छह द्रव्य की बात भी आती है, छह द्रव्यों में भी पंचाष्टी काय तो है ही, एक काल और है वहां, पंचाष्टी काय तो छह में भी है। कोरा पंचाष्टी काय का उल्लेख हो तो काल उसमें नहीं आता, केवल पांच अस्थि काय आ जाती है। अब ये जो छह द्रव्य है या पंचाष्टी काय है, एक प्रश्न होता है कि पंचाष्टी काय का जो वर्णन है वो क्यों है? इधर नव तत्वों की बात भी आती है। उत्तर अध्ययनानी में तो बहुत जीवा जीवा ये बंधो ये पुन्नम पावा सवोतहा संबरो निद्रा मुखो संते एतहियान। इधर नव तत्व की बात है, इधर छह द्रव्य या पंचाष्टी काय की बात है। तो पंचाष्टी काय में नव तत्वों को भी तो समाविष्ट किया जा सकता है, नव तत्वों में पंचाष्टी काय को समाविष्ट किया जा सकता है। पांच अस्थिकाय इधर नौ, दो क्यों? एक से ही काम चल जाए, दो क्यों? पांच का नौ में और नौ का पांच में समावेश संभव है तो दो क्यों बताए? दो वर्गीकरण क्यों? जो भी विवक्षा हो, एक कल्पना यह की जा सकती है कि दोनों वर्गीकरणों के पीछे अलग अलग दृष्टि है। जहां यह प्रश्न हो, उपासक श्रेणी के बैठे हैं तो जहां यह प्रश्न हो कि यह दुनिया क्या है, यह दुनिया सृष्टि पूरा लोक लोक सब क्या है, ओंटोलॉजी अस्तित्ववाद है क्या, यह सब है क्या, क्या है यह दुनिया क्या है, इसका उत्तर है षड्द्रव्यात्मको लोक है। जहां छह द्रव्य पंचाष्टी काय है, पंचाष्टी काय मयो लोक है, जहां पंचाष्टी काय है वह लोक होता है, यानी धर्माष्टी काय यह है अधर्माष्टी। तो दुनिया में क्या है, दुनिया में मूल तत्व क्या है, दुनिया के मूल तत्व बताने वाला यह पंचाष्टी काय या षड्द्रव्यवाद है कि बहुत चीजें हैं, मूल बताओ मूल क्या। तो मूल में दुनिया में धर्माष्टी काय अधर्माष्टी काय आकाशाष्टी काय और पुद्गलास्तिकाय जीवास्तिकाय, ये पांच अस्तिकाय, एक काल को भी छह द्रव्य करें तो जोड़ दे। तो दुनिया क्या है, षड् द्रव्यात्मको लोक है या पंचास्तिकाय मयो लोक है, या लोक वह है जिसमें पांच अस्तिकाय हैं। ये पांच अस्तिकाय इस दुनिया के मूल तत्व हैं, जो कुछ और है वो इन्हीं का है। जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है आंखों से वह सब पुद्गलास्तिकाय का प्रपंच है, पुद्गलास्तिकाय है। बाकी चार अस्तिकाय हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, फिर उनका भी अस्तित्व इस सृष्टि में लोक में बताया गया है। तो दुनिया क्या है, मूल तत्व क्या दुनिया के, इस प्रश्न का उत्तर पंचास्तिकाय या छह षड्द्रव्य के द्वारा दिया गया। तो यह एक वर्गीकरण। अब दूसरी दृष्टि है, कोई कहे भाई महाराज दुनिया क्या, यह तो ठीक है आपने बता दिया, जान लेंगे एक नहीं जाने जो भी है, हमें तो साधना करनी है, हमें तो आत्मा की बात बताओ, आत्मा का कल्याण क्या,
कल्याण में बाध्य क्या, हमें वो बात बताओ आप। वो बात आत्म कल्याण की बात बतानी है तो नव तत्व को जानो। जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संबर निर्जरा बंद मोक्ष, ये नव तत्व का जो वर्गीकरण है वो एक आध्यात्मिक उपयोगितावाद वाला है। तो आत्मा के लिए क्या करें, कल्याण के लिए क्या करें, तो मूल मूल बातें हमें नव तत्वों से, नव तत्वों में प्राप्त हो जाती है। तो अस्तित्ववाद और उपयोगितावाद, छह द्रव्य और पंचास्तिकाय जो हैं वे अस्तित्ववाद के संदर्भ में है, और उपयोगितावाद के संदर्भ में यह नव तत्व क्या वर्गीकरण है, नव तत्व की बात है। क्योंकि आत्मा का कल्याण वहां तो आश्रव को भी जानना होगा, संबर को समझना होगा, निर्जरा को जानो, बंद क्या जानो, पुण्य पाप क्या जानो, मोक्ष क्या जानो, ये सब जाने बिना आत्म कल्याण की बात में बाधा या कठिनाई हो सकती है। तो अस्तित्ववाद और उपयोगितावाद, अस्तित्ववाद के संदर्भ में व्हाट इज दिस वर्ल्ड, इस प्रश्न है नव तत्व की बात आ जाती है। तो भगवती सूत्र में यह जो पंचास्तिकाय की बात आई है वो लगता आई है, वो लगता है यो मानो वो अस्तित्ववाद की बात, अस्तित्ववाद की बात जो भगवान महावीर ने बताई है वो वर्गीकरण है, पंच ने बताई है वो वर्गीकरण है पंचास्तिकाय का। तो कालोदाई जैसे व्यक्तियों में अस्तिकाय का, तो कालोदाई जैसे व्यक्तियों में भी एक चर्चा उठी और भगवान महावीर के दरबार में भी कालोदाई पहुंच गया और मानो संतुष्ट हो गया, भगवान महावीर के पास वह साधु भी बन गया। बहुत एक अच्छी बात है, चर्चा करके संबुद्ध होकर के साधु भी बन गया।